जय मसीह की। दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 119वां अध्याय और उसका वचन 71 और 72। पहले हम 71 वचन को देखेंगे। वचन कहता है, मुझ पर जो कलेश आया वो मेरे लिए भला ही हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थी वचन के लिए। दोस्तों, याद करिए, जब कोई भाई या हम कलीसिया आए थे, जब प्रभु के करीब आए थे, तो हम कलेश में थे, हम दुख में थे। हमारा शरीर का दुख, हमारी भावनाओं का दुख, हमारे रिश्तों का दुख हमें प्रभु के करीब लेकर आया, चर्च में लेकर आया। लेकिन जब हम चर्च में आए, जब हमने जाना कि यीशु कौन है, जब हमने जाना परमेश्वर की योजनाएं क्या हैं, जब हमने जाना उसकी भलाई, जब हमने जाना उसकी करुणा, जब हमने महसूस किया उसकी उपस्थिति को, तब हम अपने कलेशों को भूल गए, हम अपनी बीमारियों को भूल गए, अपने दुख को भूल गए, और उसकी भलाई हमारे जीवन में पहला स्थान रखने लगी। और उसकी भलाई की वजह से, उसकी करुणा की वजह से, उसकी योजनाओं की वजह से, उसके चरित्र की वजह से, हम उसके करीब आते गए, हम उसके करीब आते गए। उसके प्यार ने हमें पूरी तरीके से हमें मजबूर किया कि हम समर्पित हो जाएं प्रभु के चरणों में। ऐसी भलाई यीशु ने की, ऐसी भलाई यीशु की है। इसलिए दोस्तों, जब हम करीब आते हैं, जब हम आते हैं तो दुख के साथ, लेकिन जब हम रहते हैं तो प्यार और करुणा और भलाई के साथ और आनंद के साथ। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आनंद ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए रोमियो 8:28 कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात भलाई ही उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का प्रेम क्या है? जब हम आए और हमने जाना कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, प्रेज द लॉर्ड, तो पहला योहन्ना 4:10 कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि हमने उससे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा उसने। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, हमारा आना ये परमेश्वर की योजना है, रहना परमेश्वर की योजना है, समझना परमेश्वर की योजना है। इसलिए परमेश्वर का अद्भुत आशीष हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। इसलिए जब हम उसको जान जाते हैं, उसको समझ जाते हैं, उसकी भलाई को समझ जाते हैं। आप देखिए दोस्तों, जाते जाते यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। उस वक्त स्वर्ग और धरती का अधिकार यीशु मसीह को मिल चुका था, लेकिन जाते जाते उसने ऐसी भलाई की कि उनके दिलों में अपने प्यार की छाप छोड़ दी। आज यीशु मसीह ने क्रूस पर बताया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। आज उसने कोड़े खाते हुए बताया कि उसने हमसे कितना प्यार करता है। उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके पैर बंधे हुए थे, लेकिन उसका मुंह नहीं बंधा हुआ था। दोस्तों, वो कह सकता था अपने मुंह से कि मुझे मत मारो, बस करो, बस करो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने अपने मुख से एक भी शब्द नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि वो कोड़े खाना चाहता था ताकि वो कोड़े खाए और हम चंगाई पाएं। वो कीले और हाथों में कीले और पैरों में कीले चुभवाना चाहता था ताकि हम हर दर्द, हर अपमान से, हर लज्जा से छुटकारा पाएं, ताकि परमेश्वर का अद्भुत और अनंतकालीन जीवन हमें मिल सके। वो चाहता था, इसलिए उसने दर्द सहा, इसलिए उसने क्रूस की मौत को लिया। इसलिए बाइबल कहती है, वचन भजन संहिता 119 का 72वां कहता है कि तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से भी उत्तम है। दोस्तों, हमारे लिए सोने चांदी की कोई कीमत नहीं है, हमारे लिए उसकी व्यवस्था की कीमत है, हमारे लिए उसके वचन की कीमत है, हमारे लिए उसकी इच्छा की कीमत है। हम समर्पित हैं और हमें परमेश्वर ने चुना है ताकि हम उसकी सेवा करें, ताकि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। इसलिए कोई भी रिश्ता हमें रोक नहीं सकता है, कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। इसलिए उसकी व्यवस्था, उसकी योजना, उसकी इच्छा, उसके वचन हर सोने और चांदी के सिक्कों से उत्तम है, हर रिश्तों से उत्तम है, हर विचार से उत्तम है, हमारे शरीर के हर सुख से उत्तम है। इसलिए हमारा ये कलेश परमेश्वर के प्यार को हमसे कम नहीं कर सकता है। हमारा ये दुख, इस समय का दुख, परमेश्वर के प्यार से हमको अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्यार को जान गए हैं। जीवन का हर दुख, जीवन की हर मुसीबत, जीवन की हर रुकावट
के सामने यीशु मसीह का प्यार सबसे बड़ा है। हालेलुया, यीशु मसीह के प्यार के आगे इनकी कोई कीमत नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। हम हर दुख सह लेंगे, हम हर हर मुसीबत सह लेंगे, हम हर रिश्तों का दुख सह लेंगे, लेकिन हम प्रभु ईश्वर के प्यार को अपने जीवन में कम नहीं होने देंगे, हम परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में कम नहीं होने देंगे। दोस्तों धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सामर्थी नाम के लिए, इस वचन के लिए, परमेश्वर परमेश्वर के नियम के लिए, परमेश्वर के प्यार के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो आइए दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर तू महिमा और आदर के योग्य है, तेरी करुणा सदा की है और तू हमसे बहुत प्यार करता है। हम जान गए हैं तेरी उपस्थिति हमेशा हर पल हमारे साथ है, चाहे कुछ भी हो हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो हम वाचा बांधते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं कि हम तेरी अगुवाई में, हम तेरे साथ और तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए सुख और शांति और चंगाई मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने सुनी कबूल किए मैं।